तो स्वागत है आपका हमारे चैनल डिजिटल वर्क ऑनलाइन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे आरपीएफ का मतलब रेलवे पुलिस फोर्स में वैकेंसी निकला है, जो कि 9000 पोस्ट है, 9000 से भी ज़्यादा पोस्ट है। और उसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या है वो सिर्फ आप मैट्रिक पर ही अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ पोस्ट, तो यहाँ पर द आरपीएफ हैज़ एडवर्टाइज फॉर 9000 प्लस पोस्ट ऑफ कॉन्स्टेबल्स, मतलब 9000 से भी ज़्यादा यहाँ पे कॉन्स्टेबल की भर्ती निकाली गई है। उसके नीचे यहाँ पे देख सकते एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में है 10th पास कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ आरपीएफ कॉन्स्टेबल, मतलब जो मैट्रिक पास है वो अप्लाई कर सकते हैं आसानी से। और यहाँ पे कम से कम इसका जो एज होना चाहिए अप्लाई करने के लिए वो 18 साल होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 25 साल, मतलब आपका उम्र अगर 18 साल हो चुका है और आप मैट्रिक पास है तो आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, यहाँ पर रिटर्न है और फिजिकल टेस्ट है, बस यही दोनों है। रिटर्न मतलब आपका एग्ज़ाम होगा, और यहाँ पर फिजिकल टेस्ट जो होता है रनिंग जंपिंग ये सब जो है वो होगा, ये दोनों कंपलसरी है। और आप इसको कैसे फिल कर सकते हैं, यहाँ हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं rpf.indianrailway.gov.in का, उस पर क्लिक करके फिर उस पर करियर वाला सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आसानी से फिल कर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पे हम बता दें यहाँ पे इसका जो सैलरी होने वाला है यहाँ पे 26000 से लेके 32000 तक पर मंथ होने वाला है। और इसका अगर हम और जानकारी दें तो यहाँ पे 500 रुपया आपको यहाँ पे फीस देना होगा फॉर आप जिस भी कैटेगरी से हैं उसको आपको 500 रुपया यहाँ पे देना पड़ेगा। और जो यहाँ पे लेडीज़ एससी एसटी नहीं तो जो फीमेल कैंडिडेट भर रहे हैं फॉर्म उनके लिए 250 रुपया है, और बाकी जितने भी है ईडब्ल्यूएस ईबीसी उनको पूरा 500 रुपया देना पड़ेगा, ओबीसी चाहे ईबीसी जो भी है उनको पूरा 500 रुपया यहाँ पे फॉर्म फिल करने के लिए देना पड़ेगा। अब हम इसको यहाँ पे इस लिंक पे जाकर हम आपको दिखा दे रहे हैं। और ये ओपन हो रहा है, देखिए दोस्तों यहाँ पे ऊपर में दिखाया था रेलवे पुलिस फोर्स प्रोटेक्शन फोर्स। अब हम इस यहाँ पे बता दें यहाँ पे आप आसानी से यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप एक बार सारी जानकारी यहाँ पे आकर देख लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे आसानी से फॉर्म फिल कर पाइएगा। एक बार हम यहाँ मेनू पर क्लिक करके दिखा दे रहे हैं,